الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. पिछले दो हफ्ता मैंने इंसान की जिंदगी क्या है और ये जो नया साल शुरू हुआ, नया साल शुरू होने पर जो नौजवान खुशियां मनाते हैं, क्या ऐसे मौके पर खुशी मनाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, इस सिलसिले में मैंने आप हजरात के सामने बातें रखी थी, जिसका खुलासा ये था के साल के ख़त्म होने के बाद नया साल शुरू होने पर खुशी किस बात की है. हमारे और आपके लिए तो ये गम का मौका होता है कि हमारी ज़िंदगी का एक साल गुज़र गया. आज मैं आप हज़रात को ये बताना चाहता हूँ कि एक साल कंप्लीट हो जाने के बाद अब नए साल में हम और आप जो दाखिल हुए हैं, ये साल हमको और आपको कैसे गुजारना चाहिए. पिछले दो साल 2020 और 2021, 2019 के ही शुरू 2019 के लास्ट ही में ये वबा कोरोना बीमारी शुरू हो चुकी थी, कोविड-19 इसलिए कहा भी जाता है, लेकिन ख़ास तौर पे 2020 और 2021 ये दुनिया के तमाम लोग खौफ और डर में मुब्तला थे और इसी खौफ में ये दो साल चले गए. बीमारी या सियासत या किसी की साजिश, जो भी कह लीजिए, इतना ख़तरनाक कि बहुत से नौजवान हमारे और आपके दरमियान से गुज़र गए. हालत इतनी बुरी कि हरमैन शरीफ़ैन को बंद कर दिया गया, उम्रा नहीं, हज नहीं. अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों से उम्रा का सिलसिला शुरू हुआ है. अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये सिलसिला जारी रहे और पहले जिस तरह से आज़ादी के साथ लोग हज और उम्रे के लिए जाते थे, अल्लाह ताला वही दिन वापस लौटा दे. मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम और आप ये सोच रहे थे कि अल्लाह ने फ़ज़ल का मामला किया और बीमारी का सिलसिला ख़त्म हुआ, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं गुज़रा कि फिर एक मरतबा वही कैफियत शुरू हो गई है. और पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी रोज़ाना लाखों लोग इस बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने बहुत ज़्यादा रोने की, गिड़गिड़ाने की और बहुत ज़्यादा दुआएं करने की ज़रूरत है.
सही बात यह है कि इस तरह की बीमारी, मोहलिक बीमारी, जिस बीमारी के लगने के बाद आम तौर पर इंसान जिंदा नहीं रहता, इस तरह की बीमारी इंसानों के गुनाहों की कसरत की वजह से पैदा होती है। दुनिया में गुनाह का काम इतना ज़्यादा होने लगा, पाप का काम इतना ज़्यादा होने लगा, अल्लाह को हमने और आपने नाराज़ कर दिया और अल्लाह रब्बुल्इज्जत ने हम पर और आप पर, दुनिया के लोगों पर इस तरह की ख़तरनाक बीमारी को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह रब्बुल्इज्जत हम सब की गुनाहों से ख़ास तौर पर हिफाजत फरमाए, अपने रहम का, करम का, अफ़ का, आफियत का मामला फरमा कर और दुनिया के तमाम इंसानों को, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, अल्लाह ताला तमाम इंसानों को हर तरह की बीमारी से नजात अता फरमाए। मेरे भाइयों, गुनाहों से बचने ही का नाम है तकवा। तकवा अपने आप को गुनाहों से बचाकर ज़िंदगी गुजारने का नाम है, जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ आयतों में, मुख्तलिफ सूरतों में अल्लाह ने दिया है। मैंने जो सूरत, जो आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह, इस आयत के अंदर, एक आयत के अंदर, बहुत बड़ी आयत नहीं है, मामूली छोटी सी, बहुत छोटी अगरचे नहीं फिर भी छोटी सी आयत है, इस एक आयत में अल्लाह ताला ने दो मरतबा तकवा का हुक्म दिया, गुनाहों से बचने का हुक्म दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखो और तुम ये देखो कि आइंदा के लिए तुम क्या कर रहे हो। वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर शख्स को हमेशा इस पर नज़र रखनी चाहिए कि हम भविष्य के लिए, आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए, ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग मिट्टी में गल जाएंगे, सड़ जाएंगे और दोबारा हमको उठाया नहीं जाएगा, हमारा हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। हम और आप मोमिन हैं, ईमान है हमारे अंदर, हम अल्लाह, अल्लाह के रसूल और उनकी तालीमात पर ईमान रखते हैं। हमारे ईमान का एक हिस्सा और एक अंश ये भी है कि वल बासी बादल मौत, मरने के बाद हमको और आपको दोबारा जिंदा किया जाएगा और वहाँ पर हिसाब लिया जाएगा। मैंने कहा था एक या दो जुमा पहले कि वो वक्त ऐसा आएगा कि उस दिन हिसाब होगा, अमल का कोई मौका और चांस नहीं मिलेगा। तो हम और आप आइंदा ज़िंदगी के लिए क्या कर रहे हैं, हमने और आपने अपने नामे आमाल में कितनी नेकियों को जमा करके रखा और हमारे नामे आमाल में अल्लाह न करे कितने सारे गुनाह जमा हो गए, कितना ज़्यादा पाप का काम जमा हो गया। अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से बचाकर और ज़िंदा रहिए, अपनी ज़िंदगी में गुनाहों को करीब भी मत आने दीजिए। सवाल यह है कि ये कैसे होगा गुनाहों से बचना, आजकल के ज़माने में, आजकल के हालात में कैसे हो सकता है, जबकि घर से बाहर निकलो, मार्केट में जाओ, ऑफिस में जाओ, जहाँ भी जाओ, ऐसा लगता है कि पाप ने और गुनाहों ने अपना डेरा डाल के रखा है। घर से निकलोगे और गुनाह ही गुनाह करना पड़ता है। इसके लिए सबसे आसान तरीका तसव्वुर का तरीका, बुज़ुर्गों के हाथ में अपना हाथ देकर बैत होना, अगरचे ये वाजिब और ज़रूरी नहीं, लेकिन आम तौर पे जब किसी बुज़ुर्ग के साथ कोई ताल्लुक रखता है और अपने दिल की कैफियत को, अंदर की और भीतर की बीमारी को जब बुज़ुर्ग के सामने बयान की जाती है, तो वो अपने तजर्बात की रोशनी में और अल्लाह के साथ उनका जो एक ख़ास ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक की रोशनी में वो आम तौर पे अपने मुतालिकीन और मुंतसिबीन, अपने मुरीदीन की
ऐसी रहनुमाई कर देता है कि इंसान गुनाहों से उसके लिए बचना मुमकिन हो जाता है। इसलिए अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक रखिए। आजकल लोग कहते हैं कि हुजूर अल्लाह वाले अब कहाँ हैं, अब हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसा कौन है, अब जुनैद बगदादी जैसा बुजुर्ग कहाँ से मिलेगा, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा बुजुर्ग कहाँ से मिलेगा। मेरे भाइयों, हर जमाने के लिहाज से अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदों को भेजता है। उस जमाने में अगर हजरत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग थे तो उनके मुरीद हजरत बासकंदी रहमतुल्लाह अलैह थे। अगर हम और आप हजरत बासकंदी जैसे मुरीद बन जाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शेखुल इस्लाम जैसा पीर और शेखुल इस्लाम जैसा शेख भी पैदा कर देगा। हमारी हालत खुद इतनी ख़राब है और हम सोचें कि हमको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मिल जाए, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना कासिम नाहोती मिल जाए। हम जैसे गुनहगारों के लिए आजकल के ज़माने में जो बुज़ुर्ग है अल्लाह वाले हैं वही मुनासिब है। उनके साथ ताल्लुक़ रखिए, उनके साथ संपर्क रखिए और किसी न किसी अल्लाह वाले के साथ अपने कारोबार में, अपने कोई भी काम करना है उसमें मशवरा लीजिए। नमाज में सुस्ती होती है, कैसे दूर होगी? तिलावत नहीं हो पाती है, कैसे दूर होगी? इंशाअल्लाह वो बुज़ुर्ग मशवरा देंगे और रास्ते खुलते जाएंगे। हजरत मौलाना अशरफ अली खान भी रहमतुल्लाह अलैह, अचानक देखिए मुझे एक वाकया याद आया। मुफ्ती शफी साहब मारिफुल कुरान 8 वॉल्यूम में कुरान की तफसीर, पहले वो देवबंद में थे, जब मुल्क का बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान चले गए और वहाँ के सबसे बड़े मुफ्ती जाकर बने मुफ्ती आजम पाकिस्तान। जब वो देवबंद में थे, दारुल देवबंद में वो टीचर थे, उस्ताद थे, इम्तिहान का ज़माना चल रहा था और इम्तिहान के ज़माने में, एग्ज़ाम के ज़माने में कुछ न कुछ मशगूलियत बढ़ जाती है, काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो 2-4 रोज़ कुरान की तिलावत नहीं कर पाए। उन्होंने हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास लिखा कि हजरत दारुल देवबंद में इम्तिहान का ज़माना चल रहा है, थोड़ा काम ज़्यादा, ड्यूटी ज़्यादा हो गई है, मैं 2-4 रोज़ से कुरान की तिलावत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे भाइयों, अल्लाह वाले किस तरह से तरबियत करते हैं। हजरत मौलाना रशीद अहमद, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में लिखा और फरमाया कि कौन आदमी है जिसके पास ड्यूटी नहीं, काम से किसको फुर्सत है? किसी को भी काम से, ड्यूटी से फुर्सत नहीं है, लेकिन उसी काम में और उसी ड्यूटी में बाकी सारा काम तो हो रहा है, खाना पीना, बाजार जाना, ज़रूरत का सामान लाना, ये सब काम हो रहा है, फिर कुरान की तिलावत क्यों छूट रही है? इसका मतलब ये हुआ कि कुरान की तिलावत को हमने ज़रूरी नहीं समझा। अगर हम ये समझते कि चाहे हम खाएं या ना खाएं, चाहे हम मार्केट जाएं या ना जाएं, आज घर में खाने का सामान आए या ना आए, मुझको तो कुरान की तिलावत करनी है, तो फिर कुरान की तिलावत भी हो जाएगी, मार्केट जाना भी हो जाएगा और उसके साथ साथ खाने का इंतज़ाम करने के लिए सहूलत भी मिल जाएगी। हजरत, आज ही मैं एक बड़े बुजुर्ग का वाकया सुन रहा था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के यकीनन सबसे बड़े आलिम थे, इसमें कोई शक नहीं, और उनकी बात, उनका सिक्का फिकह के अंदर आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जहां पर घर था, मकान था, वहीं उनके घर के बगल में एक मोची का, मुसलमान था लेकिन मोची जूता रिपेयरिंग करता था, सिलाई करता था, पॉलिश करता था, मोची का घर था। अब वो मोची जो था वो बेचारा दिन भर कमाता था और शाम को जब आता था घर में तो कुछ सामान वामान लेकर आता, जितने का सामान लाता था उससे ज़्यादा का वो ड्रिंक करके आता था, पी कर आता था, और घर में आने के बाद चीख चिल्लानी, शोर शराबा बहुत ज़्यादा। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने
या तो फुर्सत नहीं मिली या तवज्जो नहीं दी, जिस वजह से वो कभी भी उस शख्स को कुछ नहीं कहा। अचानक एक रात में जब इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने छत के ऊपर इबादत में मशगूल थे, पूरी रात गुजर गई लेकिन उस घर से जहां से रोजाना चीखने की चिल्लाने की आवाज आती थी आज आवाज नहीं आई। हजरत ने समझा कि शायद उसको बीमार पड़ गया या अल्लाह न करे उसका इंतकाल हो गया। सुबह के वक्त वो उनके घर में आए और आकर दरवाज़ा खटखटाया, लोग घर से बाहर आए और कहा कि हजरत आप हमारे घर में, क्या कोई ख़ास बात? तो हजरत ने कहा कि असल में रोज़ाना रात को मैं तुम्हारे घर से उस आदमी की आवाज़ सुनता था, उनका शोर सुनता था, चिल्लाना सुनता था, आज कोई आवाज़ नहीं आई तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए मैं देखने के लिए आया हूँ। घर के लोगों ने कहा कि हजरत ये बहुत बदमाश किस्म का आदमी हो गया था, रोज़ाना रात में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके घर में आता था और रात भर चीखता था, खुद भी नहीं सोता था, घर के लोगों को भी नहीं सोने देता था। तो आज हम लोगों ने पुलिस वाले को खबर दी, सरकारी पुलिस वाले आए और उनको पकड़ कर लेकर चले गए और उनको जाकर कैद खाने में जेल में डाल दिया। अब आपको भी डिस्टर्ब नहीं होगा और हम लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं होगा और उसकी आदत भी शराब पीने की ख़त्म हो जाएगी। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह घर वापस आए और दिन में या तो उसी दिन या उसके बाद वाले दिन वो चलकर जेलर के पास पहुँचे, जहाँ पर जेल था वहाँ पहुँचे जेलर के पास। जेलर ने देखा कि अपने वक्त का सबसे बड़ा इमाम और उस वक्त जो खलीफा थे अमीरुल मोमिनीन थे उनके बाद सबसे ऊंचा पोस्ट वाला इंसान इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मेरे पास आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं। हजरत खैरियत तो है, क्या हो गया? आप खबर दे देते मैं आपके घर आ जाता, आपने यहाँ आने की तकलीफ की क्या बात है? क्या असल में बात यह है कि जब इंसान की अपनी ज़रूरत हो तो वो तकलीफ़ उठाता है, क्योंकि आज मेरी ज़रूरत थी इसलिए मैं चलकर आया, तुमको नहीं बुलवाया। कहा हजरत जेल में और आपकी क्या ज़रूरत? तो हजरत ने फरमाया कि असल में फलां हुलिये का, फलां ड्रेस का और फलां नाम का आदमी तुम्हारे यहाँ जेल में लाया गया है, मेरी जमानत पर, मैं गारंटी लेता हूँ मेरी जमानत पर अगर तुम उसको छोड़ दो तो मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। हजरत वो तो बहुत बड़ा शराबी है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, लोग उससे परेशान रहते हैं और आप छोड़ने के लिए कहेंगे, आप कहेंगे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन उनके घर के लोगों ने केस किया और हमने उनको लेकर आया। हजरत ने कहा कोई बात नहीं, मैं जामिन बनता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, तुम मेरा नाम मेरे नाम पर उसको छोड़ दो। बिल्कुल ऑर्डर था, फौरन गए जेल में और जाकर उस शख्स को जेल से बाहर किया। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस मोची को जो कल तक बहुत ज्यादा शराब पीता था, ड्रिंक करता था, उसको लेकर घर में आए, कोई नसीहत नहीं की, चुपचाप खामोशी के साथ आए और आकर उनके घर में उनको दे दिया कि भाई मेरी जमानत पर मैं लेकर आया हूं, इसको घर में रहने दो। वो घर में रहा। रात के वक्त हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब इबादत कर रहे थे तो घर से फिर कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। हजरत ने सोचा कि अब तो वो आदमी आ गया है, फिर वो ड्रिंक करेगा, फिर चीखेगा चिल्लाएगा, बाद में नसीहत उसीयत करने का जो इरादा होगा वो किया जाता। सुबह के वक्त फजर के फौरन बाद हजरत फिर उनके घर पे आए और आकर दरवाज़ा खटखटाया और देखा हजरत ने कि दरवाज़ा खुला हुआ है, घर के सारे लोग तो सो रहे हैं लेकिन वो शख्स जो कल तक परसों तक ड्रिंक क्या करता था,
शराब पिया करता था वो नमाज में मशगूल है और नमाज के बाद दुआएं मांग रहा है, रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा है, अपनी दुआ को खत्म करके भागा भागा आया, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मिला, हजरत आप मेरे घर पे? हजरत ने बताया, कह रहे मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई तो मैंने समझा पता नहीं फिर घर वालों ने तुमको जेल भेज दिया ने क्या किया। कि हजरत अब तक तो मैं मोची था, लोग मेरी इज्जत नहीं करते थे, इसीलिए मैं शराब पीकर अपने को सुकून देता था, लेकिन अब तो आपकी सोहबत मिल गई, आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई, आपके साथ मेरी निस्बत लग गई, अब मैं कैसे शराब पी सकता हूँ और मैं कैसे ड्रिंक कर सकता हूँ। मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि एक बड़ा से बड़ा गुनहगार, बड़ा से बड़ा पापी जब अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है और थोड़ी सी कोशिश करता है, थोड़ी सी कोशिश करता है, अल्लाह रहम फरमाता है। वो हदीस में बार बार सुनाता हूँ कि जब बंदा तौबा करने के लिए चल कर आता है तो अल्लाह दौड़ कर आता है और उसको अपने सीने से लगा लेता है। चंद लम्हों और चंद मिनट की सोहबत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिल गई, अल्लाह ने जिंदगी बदल दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के बहुत बुजुर्ग आपके इलाके में, आसाम के बाहर है। अगर अपनी जिंदगी को गुनाहों से पाक करना चाहते हैं, अगर अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहते हैं तो किसी न किसी बुजुर्ग के साथ अपना ताल्लुक कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाहु दावा।